हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोग के लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है वैलियंट ऑर्गेनिक्स। ठीक है, आइए कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। फास्ट ग्रोइंग कंपनी लगती है, मौका है, इसमें क्या करना चाहिए देखते हैं सारी पॉसिबिलिटीज़। फ्रेंड्स, इस स्टॉक को मैंने पहले भी कवर किया था, पर वो उस समय एक जो मेरे व्यूवर हैं उन्होंने मुझसे एक क्वेरी पूछी थी कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है। उन्होंने व्यूज़ पूछा था, तो उसमें मैंने बताया था, तो उतनी डिटेल में मैं इसको स्टॉक को नहीं कवर कर पाया। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्टॉक को कि क्या है इसमें। ठीक है, उससे पहले एक डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नॉलेज है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा हौसला बढ़ाया। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया वो थैंक यू वेरी मच मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वैलियंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड क्या करती है, बिजनेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स फॉर एग्रो इंटरमीडिएट एंड फार्मा। देखिए, फार्मा और एग्रो इंटरमीडिएट्स ये बनाती केमिकल्स। ठीक है, उसके लिए देखते हैं। देखिए, 3443 करोड़ का मार्केट कैप, 1270 में ट्रेड कर रहा है, 1991 का हाई और 442 का लो। देखिए तो हाई से नीचे, अच्छे खासे नीचे रेट पर अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ आप लोग देखेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, बट फिर भी देखिए हाई लगाने के बाद थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और देखिए रैली जो आया था वो करीब 4-5 टाइम्स का रैली ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या खास बात है स्टॉक में। देखिए आरओसी बहुत अच्छा है इसका, 41.6% और आरओई 40.6%, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। इससे पता चलता है कि बिजनेस इनका अच्छा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, और देखते हैं क्या खास बात है। देखिए रिजर्व्स अच्छे हैं इसके, डेट कम है, तो डेट फ्री कंपनी कह लीजिए, 430 का रिजर्व और 132 करोड़ का डेट। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या खास बात है। देखिए कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से रैली आई और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी स्टॉक में डाउनवर्ड ट्रेंड है, हालांकि अभी कोई ब्रेकआउट अभी आया है नहीं। ठीक है, यहाँ से देख के मुझे लग रहा है, बाकी चार्ट से थोड़ा और अच्छे से लगे, टेक्निकल चार्ट से। यहाँ देखिए किस तरीके का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका, अगर आप देखेंगे जून 19 क्वार्टर वाइज देखेंगे तो ये देखिए बहुत अच्छा है, लगातार प्रॉफिट अच्छा खासा डिक्लेयर कर रहा है। ये देखिए 160 करोड़ का ये आपका सेल्स और एक्सपेंसेस हटाएं तो ये देखिए 35%, 26-30% के आसपास का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये अच्छी बात है। यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट 41 करोड़ से 32 करोड़ तक, चलिए ठीक है, ये तो हाल फिलहाल की लिस्टिंग मुझे लग रही है, जैसा मुझे लग रहा है इसमें। यहाँ देखेंगे तो सेल्स देखिए किस तरीके से बढ़ा। ठीक है, सेल्स देखिए 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ था सेल्स, देखते हैं अगर यहाँ पे तो 20 करोड़, 26 करोड़ से लेके अगर सेल्स यहाँ पे बढ़ गया है 606 करोड़, तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी जैसा आप बोल सकते हैं, पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है इसकी सेल्स में, और ये देखिए इसी वजह से देखिए, और नेट प्रॉफिट भी देखिए 3 करोड़ से बढ़ते हुए 121 करोड़, 139 करोड़। ठीक है, तो ये देखिए बहुत तेज़ी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इनका सेल्स 3-4 करोड़। तो देखिए ये रीज़न था जिस वजह से, मैंने पहले ही बताया, जिस वजह से स्टॉक में तेज़ी आई। ठीक है, जो इनका प्रॉफिट है अचानक बहुत ज़्यादा शूट अप करके नेट प्रॉफिट, और उसका रीज़न था सेल्स भी बहुत ज़्यादा शूट अप किया। तो देखिए रीज़न अच्छा है कि सेल्स बढ़ा है, ठीक है, और जिस वजह से इसके नेट प्रॉफिट बढ़े। पर देखिए क्योंकि स्टॉक एक अच्छे रेट पे आ गया था, स्टॉक आ गया था 1900 रुपये पे, तो वहाँ पे फिर लोगों ने करनी शुरू की प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉक देखिए जब चलना स्टार्ट हुआ, वो यहाँ से आपको मैक्सिमम का चार्ट देखिए, स्टॉक देखिए जब चलना स्टार्ट हुआ इस रेट वाले जो इस रेट में थे 200 रुपये के रेट में, 1900 के रेट में, कितने टाइम में इनको आ गया, कुछ सालों में, तो वहाँ उसकी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग बहुत जम के, और इस वजह से अभी स्टॉक जो है, स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उस वजह से, और देखिए जब इस तरह की जब आ जाते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर ये कंसिस्टेंटली इस तरह का प्रॉफिट अगर दिखाता है आगे भी आगे क्वार्टर्स में, तो ये जो स्टॉक प्राइस है फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये इससे नीचे दिखाता है अगले क्वार्टर्स में, तो ये जो स्टॉक प्राइस है फिर वो कंसोलिडेट होना शुरू होगा अपने एक रियल वैल्यू पे आके, फिर वो वहाँ कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पर देखिए अगर ये फिर से ऊपर जाता है ये जो नेट प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर की तरफ शूट अप होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है, तो ये एक अजम्पशन होता है कि ये एक अच्छे रेट पे स्टॉक आ गया है। अब पता नहीं आगे के क्वार्टर्स में ऐसे अच्छे रेट आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो वहाँ लोग उस डाउट में प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं एक अच्छे प्राइस में आने के बाद। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बस एक प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज़ मुझे लग रही है, और थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखिए, जहाँ से 1900 के रेट 2000 के रेट में पहुँच गया, तो 10 टाइम्स का इसने एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया था, तो वो रीज़न है फ्रेंड्स की मल्टी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसे घबराने की बात नहीं, जब तक इस तरह से सेल्स बढ़ रहे हैं और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली आ रहा है क्वार्टर दर क्वार्टर, तो मुझे लगता है ठीक है। ये देखिए लगातार यहाँ पे भी देखिए बहुत तेजी से इनका रिजर्व भी बढ़ा है, डेट कम है फिलहाल,
रिजर्व के में हालांकि थोड़ा सा डेट भी बढ़ा पर ठीक ठीक है, वो रिजर्व के मुकाबले बहुत कम है। देखिए प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी 42% की, पब्लिक होल्डिंग बहुत अच्छी यहाँ 52% की। देखिए मैंने एक और खास चीज़ यहाँ पे बताई थी कि यहाँ जो बड़े लोगों ने यहाँ जो स्टॉक लिया हुआ उन लोगों ने भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है ऑब्वियसली। देखिए यहाँ देखिए लगातार देखेंगे तो उन लोगों ने भी प्रॉफिट बुकिंग की, तो ये रीज़न है कि यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ है। देखिए लगातार देखिएगा हर जगह देखिए प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 2000 के रेट में 10 टाइम्स जब रिटर्न मिलता है तो नॉर्मली लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई गलत नहीं है, हम आप हर कोई यहाँ प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक शेयर मार्केट में आते हैं। ठीक है तो ठीक है चलिए, तो बस मुझे लगता है अगर हाई रेट में थोड़ा सा लिए हुए तो 1-2 क्वार्टर देखिए, मुझे लगता है कि इसे सिमिलर अगर रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक प्राइस फिर से डेफिनेटली शूट अप करेगा। और अगर आप लोगों ने लो रेट में लिया हुआ है तो मुझे लगता है फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इसको मौका दे सकते हैं जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। बट अगर अच्छी क्वांटिटी आपके पास कम रेट में बहुत अच्छी क्वांटिटी, सपोज आपके पास 200 के रेट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है मतलब 1000 स्टॉक्स हैं या 2000 स्टॉक्स हैं, अगर 1000 स्टॉक्स हैं तो मुझे लगता है उसका 1/3 आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर 1/4 आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 10 टाइम्स मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। फिर उसके बाद बाकी को आप रखिए और कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए। मुझे लगता है ठीक है स्टॉक अभी तक ठीक है, बाकी फ्यूचर में इसके सेल्स और इसके फाइनेंशियल्स देख के पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था वैलिएंट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को आके भी देता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।